बॉलीवुड में फिल्म टाइटल्स को लेकर चल रही कंट्रोवर्सीज काफी बड़ी हो चुकी हैं। पहले पूजा भट्ट ने अक्षय कुमार की फिल्म हॉलिडे के मेकर्स के खिलाफ लगाए गंभीर आरोप और अब मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूसर रमेश दौरानी पर लगाए हैं ऐसे ही कई गंभीर आरोप। आप भी सुनिए मुकेश भट्ट के इन एक्सक्लूसिव कॉमेंट्स को। मैंने टाइटल रजिस्टर किया था राज 4, 5, 6 में पास रजिस्टर्ड थे। उस टाइम मैं मेंबर था AMBTV का। क्या होता है हर साल आपको रिन्यू करना पड़ता है टाइटल, एक सिस्टम है। मेरे स्टाफ ने एक दिन डिले कर दिया और वो ताव में बैठे हुए थे जो वहाँ की कमिटी थी, बिकॉज दे वॉन्टेड टू हार्म मी। तो ये पूरा एक पॉलिटिक्स हुआ था और उन्होंने जाके फट करके वो टाइटल रजिस्टर कर लिया 4, 5। एथिकली गलत है। अगर आज कल मैं वो लूपहोल को पकड़ के अगर कल मैं Race 3 रजिस्टर कर लूँ, शोभा देगा मुझे? नहीं, क्योंकि Race 1 Race 2 रमेश थोरानी ने बनाई। तो ये मैंने बात की उसे, वो बात समझ के बाद। मुकेश भट्ट काफी गुस्से में है और उन्होंने रमेश दौरानी को डायरेक्टली चैलेंज कर दिया है। यही नहीं, मुकेश भट्ट ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए रमेश दौरानी को अनएथिकल प्रोड्यूसर करार दे दिया है। राज, हमने वो राज को फ्रेंचाइज बनाया, बाय 1 बना के, 2 बना के, 3 बना के, उन्होंने ने बनाया। तो ही हैज नो एथिकल मॉरल राइट ओवर दैट। That is completely ours. मुकेश भट्ट ने फिल्म इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स के अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में और भी कई एक्सप्लोसिव बयान दिए हैं, जिन्हें आप देख सकते हैं संडे शाम 7:30 PM पर हमारे खास शो बिजनेस ऑफ बॉलीवुड में। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।